सबसे पहले तो हमारे इंडियन आर्मी के लिए हैट्स ऑफ है, साक्षात माँ विराजमान है यहाँ पर। जय माता की जय। जय शंकर दोस्तों, दिस इज सुधांशु फ्रॉम पहाड़ी गैंग। सो आज मैं आया हूँ हट्टालिका मंदिर। तो आप जैसे देख रहे होंगे पीछे ये मंदिर के यहाँ पे की मार्केट है और ये मंदिर का गेट है। तो चलिए चलते हैं अंदर, मैं आपको दिखाता हूँ, मैया के दर्शन कराता हूँ माँ हट्टालिका के मंदिर के। तो चलिए चलते हैं, अभी मम्मी यहाँ से सामान ले रही है और यहाँ पे मार्केट लगी रहती है, यहाँ पे मैया की चुनरी, नारियल और जो भी श्रृंगार पिटारी होती है मैया के मंदिर का सामान, वो सब यहाँ पे अवेलेबल हो जाता है। रात्रि के टाइम पर रामलीला होती है यहाँ पे, ये मंच बनाया गया है, लिखा भी है श्री महाकाली दरबार रामलीला में, यहाँ पे राम होती है यहाँ पे। और यहाँ पे बैठने का बनाया है दर्शकों के लिए, काफ़ी अच्छा बना हुआ है और बंदर यहाँ पे खूब देखने को मिल जाएंगे। और बिल्कुल मैं तो मेरा फर्स्ट टाइम है यहाँ पे। जय माता दी। सो गाइज, ये जो मंदिर है ये पिथौरागढ़ डिस्ट्रिक्ट के अंदर पड़ता है, गंगोली हाट एक जगह है, यहाँ पे हट्टालिका का मंदिर है, सिद्ध शक्ति पीठ है यहाँ पे, साक्षात माँ विराजमान है यहाँ पे। तो अभी मैं आपको माँ के दर्शन कराऊंगा, आप जब सुन रहे होंगे बंदरों की आवाज़ और जगह जगह पे यहाँ पे घंटियाँ लगी हुई हैं, आप देख रहे होंगे जैसे मेरे पीछे जैसे चिताएं मंदिर में लगी रहती हैं वैसी लगी है, और बंदर यहाँ पे काफ़ी हैं, आवाज़ आ रही होगी शायद बंदर की आपको। और ये देखिए बंदर मेरे पीछे बैठा है। जय माता, गणपति महाराज यहाँ पे बैठे हैं। जय हो गणपति बप्पा मोरिया। जय माता, है जूते उतारने का, जूते उतार के चलते अंदर। दोस्तों हट्टालिका महाशक्ति पीठ देवदार के पेड़ों से चारों ओर घिरा हुआ है और स्कंद पुराण के मानस खंड में भी स्थित देवी का वर्णन मिलता है। मान्यता के अनुसार कालिका का रात में यहाँ पे डोला चलता है और इस डोले के साथ माँ कालिका के गण आण व बाण की सेना भी साथ चलती है, और कहा जाता है कि अगर कोई इस डोले को छू ले तो उसे दिव्य वरदान की प्राप्ति होती है। हट्टालिका मंदिर के बारे में यह भी बताया जाता है कि यहाँ पर माँ काली विश्राम करती है, यही कारण है कि शक्तिपीठ के पास महाकाली का बिस्तर भी लगाया जाता है, और बताया जाता है कि सुबह इस बिस्तर पर सिलवटें पड़ी होती है जो यह संकेत देती है कि माँ ने इस जगह पर विश्राम किया था। और जो महाकाली के चरणों में श्रद्धा भक्ति के साथ पुष्प अर्पित करता है वह रोग शोक और दरिद्रता से दूर हो जाता है,
और माँ कालिका की जड़ में पाताल गंगा बहती है यह भी कहा जाता है। और देवी माँ के कुमाऊँ रेजिमेंट की आराध्य देवी बनने की कहानी भी बेहद ही दिलचस्प है। असल में के दौरान कुमाऊँ रेजिमेंट की एक टुकड़ी पानी के जहाज से कहीं कूच कर रही थी। इस दौरान जहाज में तकनीकी खराबी आ गई और जहाज डूबने लगा। ऐसे में मृत्यु नज़दीक देख टुकड़ी में शामिल जवान अपने परिजनों को याद करने लगे तो टुकड़ी में एक शामिल पिथौरागढ़ी निवासी सेना के एक जवान ने मदद के लिए हाट कालिका माँ का आवाहन किया, जिसके बाद देखते देखते डूबता जहाज पार लग गया और यहीं से हाट कालिका कुमाऊँ रेजिमेंट की आराध्य देवी बन गई। आज भी कुमाऊँ रेजिमेंट की तरफ से मंदिर में नियमित पूजा तौर पर की और अर्चना की जाती है, तो वहीं कुमाऊँ रेजिमेंट का युद्ध घोषी माँ कालिका के जय है। इस मंदिर के धर्मशालाओं में किसी ना किसी आर्मी अफसर का नाम आपको जरूर मिलेगा। तो बोलिए जय माँ हाट कालिका की जय। आप देख रहे होंगे मंदिर काफ़ी बहुत बड़ा मंदिर है और एक जगह यहाँ पे आप यूनिक देख रहे होंगे जो एक कुमाऊँ स्कॉट्स लिखा हुआ है यहाँ पे कुमाऊँ रेजिमेंट का। ज़्यादा कुछ मैं यहाँ पे देख रहा हूँ कि यहाँ पे उनका जो सिंबल होता है वो भी लगा हुआ है, तो उसका एक रीज़न मुझे भी पता चला। ये देखिए जैसे यहाँ पे लिखा 50 आ रहा है कुमाऊँ, तो यहाँ पे ऐसा बोलते हैं कि जब भी कुमाऊँ की जो कुमाऊँ रेजिमेंट है कभी भी किसी वॉर के लिए जाती है तो सबसे पहले यहाँ माँ की पूजा होती है करते हैं, फिर उसके बाद वॉर पर जाते हैं। जैसे पहले ज़माने में होता था कोई भी राजा महाराजा भी कभी किसी युद्ध के लिए आते तो पहले किसी मैया की या किसी भगवान की पूजा करते थे, तो सेम वैसे ही यहाँ पे कुमाऊँ रेजिमेंट भी जब भी किसी वॉर के लिए जाती है तो माँ हाट कालिका की पूजा करती है। यहाँ पे बहुत बड़ी पूजा होती है, देखिए आप जगह जगह पे यहाँ पे बहुत हर एक कुमाऊँ के स्कॉट से उनका यहाँ पे बहुत बड़ा अच्छा योगदान भी है। अब सबसे पहले तो हमारे इंडियन आर्मी के लिए हैट्स ऑफ है, क्योंकि इंडियन आर्मी हमारे लिए बहुत कुछ करती है, वो है तो हम है, क्योंकि वो अपना त्याग करके उस सीमा पे खड़े रहते हैं हम लोगों के लिए। थ्योरी यही है कि यहाँ पे जो कुमाऊँ रेजिमेंट का है तो वो यहाँ पे सिनेरियो की यहाँ पे इस ये भी मानता है कि जब भी वो यहाँ पे पूजा करके जाते हैं वो हमेशा वॉर को जीत के आते हैं, तो ये भी एक माँ की मानता है। और ये वैसे भी माँ की यहाँ पे साक्षात कृपा है और साक्षात माँ यहाँ पे विराजमान होती है। तो अभी मैं आपको चारों ओर और दिखाता हूँ मंदिर, भैरव मंदिर भी और शिव मंदिर भी है, वो भी मैं आपको दिखाता हूँ। तो चलिए चलते हैं। गाइस ये है धुनी यहाँ पे। ये है धुनी और बेड सामने बैठे हैं महाराज जी, और यहाँ पे चाय व्यवस्था भी हो जाती है। यहाँ पे ये रखा है, चूल्हा बना रखा है यहाँ पे। मैया के दर्शन हो गए हैं अच्छे तरीके से, मैया के दर्शन हो गए, ज़्यादा भीड़ भी नहीं हुई थी और माँ के दर्शन कर ही लिए होंगे आपने भी। सो गाइस मैया के दर्शन करके आ चुके हैं, ये रहा पीछे गेट और काफ़ी अच्छी जगह है और काफ़ी बड़ी जगह है, साक्षात मैया वहाँ पे विराजमान है। तो इसी के साथ मैं वीडियो को यहीं पे एंड करता हूँ। जो लोग मेरे चैनल पे नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और वीडियो पसंद आएगी तो वीडियो को लाइक कर देना, और जो जो लोग यहाँ पे आए हैं पहले तो कमेंट करके ज़रूर बताना। तो मिलते हैं अपने ऐसी नई नई इंटरेस्टिंग वीडियो में, तब तक ले बाय बाय, टेक केयर, जय भारत, जय शंकर, जय शंकर।